हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज बहुत अलग आप वीडियो में देखने और समझने वाले हो, क्योंकि ऐसा हो गया है हमारे साथ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। और जो पुराने फ्रेंड्स है उसे तो समझ में आ रहा है, पर आप हमारा स्टोरी दिया हुआ है, पार्ट पार्ट से हम बताए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। पूजा और लखानी, ये मेरी दोनों वाइफ है, ये बड़ी है और दूसरी जो है लखानी वो छोटी है। तो लखानी जी के साथ में हमारा कल झगड़ा हो गया है, और वो है ना, उनके माँ बाप के घर चली गई है, वो नीलकंठ बच्चे को और छोटी बच्ची को लेकर। और तारिणी जो है वो तो मानो चलती फिरती है, वो आ जाएगी कभी ना कभी, मतलब आती जाती रहेगी वो। तो ऐसा है मानो वो कब आएगी क्या नहीं वो तो पता नहीं है, पर यह हमारा मानो आपको भी यह मन में ख्याल आ रहा होगा कि कैसा और क्यों झगड़ा हुआ है। मतलब कल का जो ठंडी था एकदम ज़बरदस्त था कल ठंडी, और उस ठंडी में मानो पूजा जी ने कहा हमें कि बच्चों को स्वेटर वगैरह लेकर देना है। पूजा जी के भी दो बच्चे हैं, शिवम और रश्मि, वो दोनों नवापाड़ा आश्रम स्कूल में सीखते हैं। तो हमें बच्चों को स्वेटर लेकर देने के लिए जाना था। तो क्या हुआ कि ये देखिए, यह बकरिया है, ये बकरिया हमारी मानो पूजा जी हर रोज चराने जाती है, और लखानी जी के पास में भी बच्चा है मानो 6 महीने का है अभी। तो हम तो अलग ही रहते हैं, आपको पता है। तो ये शिवम रश्मि को मानो 2 ढाई महीने से स्कूल में छोड़ दिया है सीखने के लिए। तो तब से हम गए भी नहीं थे देखने के लिए, फ़ोन पर बात होता था, ये सही है। तो उनके लिए स्वेटर वगैरह लेकर देना था, बहुत ठंडी था कल का। तो उसके लिए फिर पूजा जी ने मेरे को बोला कि लखानी को बोलो वो बकरियों को आज जाएगी। तो मैंने लखानी जी को बोला कि आप जाओ बकरियों को चराने के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले छोटा बच्चा है इसे कहाँ ठंडी में लेकर जाना। तो हमने क्या किया कि मानो ये पूजा जी को भी थोड़ा गुस्सा आया, पर इन्होंने कुछ गलत सलत कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने बस बोला कि हम ही चराने जाते हैं, बोले आपको तो हम कभी बोलते भी नहीं हैं, पर ऐसे समय में आपको जाना चाहिए कि अर्जेंट काम है, बोले तो जाना चाहिए। तो वो उनको है ना, ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इस बात को लेकर हमारा झगड़ा हुआ है। और वो कल हम वीडियो में बताए थे जैसे खाना बिना बनाया और खाया था, उसके बाद में ही झगड़ा हुआ था। तो हम तो कल वीडियो में नहीं बताए पर आज बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि हम राजेश भाई जो है उनकी वाइफ, उनके उनके साथ में बकरियों को छोड़कर हम स्कूल में गए और बच्चों को स्वेटर वगैरह लेकर दिया हमने वहाँ, और फिर यहाँ रिटर्न आए थे। तो फ्रेंड्स, यह ऐसा लफड़ा है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोगों के विचार में ऐसा होता है कि मेरी मानो वाइफ होते हुए, बच्चे होते हुए भी दूसरी औरत के ऊपर उनकी गलत नीति रहती, गलत अंदाज रहता है, और बहुत कुछ ऐसे मतलब अलग अलग सोचते हैं। तो इन बातों से बचे फ्रेंड्स, और जो अपना परिवार है, हमारा स्टोरी आप देखिएगा, जो अपना परिवार है, वाइफ है, उन्हीं के साथ में खुश रहना चाहिए। हमारा तो मानो ये हो गया है, आप स्टोरी देखकर ही पता चलेगा आपको। तो हम अच्छे रहते हैं, पर थोड़ा बहुत तो झगड़ा होता ही रहता है हर किसी में। तो ऐसा ही हमारा भी झगड़ा हुआ है, पर आप सभी दोस्तों के लिए हमारा स्टोरी ज़रूर देखना ज़रूरी है। आप टाइम मिलेगा नहीं, मतलब टाइम निकाल कर ज़रूर देखिएगा,
तब आपको समझ में आएगा, नए फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जो अपने बच्चे परिवार होता है उनके साथ में ही खुश रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यही हुआ है, आगे अभी लखानी जी क्या कब आएगी कब नहीं, यह तो पक्का फिक्स मालूम नहीं है, पर समय के हिसाब से हम मानो हर रोज़ तो हम आपको वीडियो में दिखाते ही रहते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं, क्या करने वाले हैं, तो इससे आपको पता चलता ही रहेगा कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये देखिए पूजा जी खड़ी है, तो कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हुआ है वो बोल दिया है, मैं अभी क्या बोलूं। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिएगा और आगे हम दिखाते रहेंगे। और लखानी जी आप कभी आएगी कभी नहीं तो वो देखेंगे, वो तो आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बकरियाँ चल रही है और चने में पानी भी भरना था, पर आज 12 बजने के बाद में हम वीडियो बना रहे हैं यही मैटर की वजह से। तो लाइट भी चला गया है, अभी 4-4:30 बजे तक लाइट आएगा और 4-5 साटी बचा है ऐसा, तो वो भरेंगे हम। ये तो राजेश भाई के चने है, हमारे उस ओर है, उस ओर है हमारे चने। तो देखते हैं आगे फ्रेंड्स, खुश रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार का ध्यान दे। और हम आप सभी दोस्तों से इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुशी खुश रहे और खुशियाँ बांटे।